तो अरुणाचल ट्रांस हाईवे यानी पुलिस और कानूनबरी पुलिस चेक गेट का यहाँ से होके जाना था, यहाँ से होके भैया लुआक्सिम होकर के डिग्री कॉलेज तक जाना था और यहाँ बोर्ड लगा रखा है। अवेयरनेस होना है, जागरूकता लाना है, ये तो हर किसी की जुबान से कहती है। हमारे सोसाइटी के हर यूनियन, हर एसोसिएशन के लीडर्स सबके जुबान से यही कहते हैं कि अवेयरनेस होना है, जागरूकता लाना है, ताकि वांछनों आगे जाए, हमारे सर से अंधेरा हट जाए। पर बहुत से लोगों की किसी मजबूरन अपनों की गलतियां दिल में ढक्कन लगाकर ही बंद कर देते हैं, बाहर आने नहीं देते हैं कि दुनिया वालों को पता ना चले, अंदर ही अंदर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों और दर्शकों, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं कहता हूँ अवेयरनेस लाएंगे, जागरूकता लाएंगे, हम भी आगे जाएंगे, हम हमारे सर से अंधेरा हटेंगे, ये मैं कहता हूँ। लेकिन जिसके लिए क्या करना होगा, आने वाले दिन को वांछनों के सारे तकलीफियाँ दूर हो जाएंगे, सारे समस्या दूर हो जाएंगे। जिसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, हर कोई अपने दिल में बंद कर रखें अपनों की गलतियों को अब दुनिया के सामने लाना होगा, उसका खुलासा करना होगा, उसको दुनिया के सामने रखना होगा, तभी हटेंगे, तभी हम आगे जाएंगे, तभी हम वांछनों के सर से अंधेरा हटेंगे। अगर आप चाहते हो कि हमारे तकलीफियाँ दूर हो जाए, हमारे समस्या दूर हो जाए, तो हर किसी के दिल पे बंद रखें अपनों की गलतियों को बाहर लाना होगा, दुनिया के सामने रखना होगा, तभी होगा। सैदन मै हाय वांछनों मै तेचा, नमस्कार। वांछो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं और इस वक्त हम मॉडल डिग्री कॉलेज कानूबरी यानी लॉक्सिन पे ठीक कॉलेज के आगे खड़ा हूँ। और ये कॉलेज तो बन चुका है, अभी पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ हर कोई कहते हैं अभी कॉलेज चालू होना है, कॉलेज चलना है अभी, क्योंकि हमारे बच्चे अभी पढ़ने में बहुत तकलीफ हो रहे हैं, कोई कोई कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे जगह जाना पड़ता है, पासीघाट, तेजू, नमसा, ईटानगर, एलोंग, किसी किसी को सीट भी नहीं मिलता है, जिसके कारण कोई पढ़ाई अधूरी है, कॉलेज पढ़ नहीं रहा है, कॉलेज नहीं जा पा रहा है। लेकिन हमारा ये मॉडल डिग्री कॉलेज अब बन के तैयारी हो गया है, लेकिन चलेंगे कैसे, जबकि हमारे डिग्री कॉलेज तक पहुँचने की कोई रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं है। जबकि पिछले बार ट्रांस अरुणाचल जो हाईवे है, पुलिस चेक गेट, कानूबरी के पुलिस चेक गेट से लेकर लुआक्सिम वाया लुआक्सिम होकर के यहाँ डिग्री कॉलेज एक PMGSY रोड का सेंक्शन हो चुका था। तो अरुणाचल ट्रांस हाईवे यानी पुलिस और कानूबरी पुलिस चेक गेट का यहाँ से होके जाना था, यहाँ से होके भैया लुआक्सिम होकर के डिग्री कॉलेज तक जाना था और यहाँ बोर्ड लगा रखा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फ्रॉम ट्रांस अरुणाचल हाईवे टू मॉडल डिग्री कॉलेज कानूबरी वाया लुआक्सिम, लेंथ 5.44 किलोमीटर, कॉस्ट ₹4,40,00,000, हाँ 5 ईयर्स मेंटेनेंस का है, मेंटेनेंस का कॉस्ट भी अलग से दिया हुआ है ₹53,97,00,000, हाँ वो मेंटेनेंस का, और नेम ऑफ द कॉन्ट्रेक्टर MSNN इंटरप्राइज, ये और RWD डिपार्टमेंट के अंदर में, जो कि अभी तक बन के तैयारी हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई नामो निशान नहीं है, अभी कॉलेज बन के भी फायदा नहीं है, यहाँ आने के कोई रोड नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अभी तक जो PMGSY रोड सेंक्शन हो चुका है मॉडल डिग्री कॉलेज तक जाने की, ट्रांस अरुणाचल हाईवे कानूबरी पुलिस चेक गेट से लेकर वाया लुआक्सिम होकर यहाँ पहुँचना चाहिए था, जो रास्ता अभी तक बनाया नहीं गया है। ये सेंक्शन LV रोड लॉन्गडिंग हेडक्वार्टर टू सायाखेत तो तेवई जो बन रहे हैं, इसके साथ ये सेंक्शन हुआ था।
जो लोहा रोड पीएमजीएस में बन रहे हैं उसका साथ ये सेंक्शन हुआ था। हमारे कानूबरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी पीएमजीएस में रोड आए हैं लगभग अभी शुरू हो चुका है, बन रहे हैं, लेकिन अभी ये मॉडल डिग्री कॉलेज को छोड़ के हमने सुना है कि इसका तो पैसा भी बिल भी उठा के खा लिया, लेकिन अभी तक एक कूर भी नहीं मारा, एक फरवा भी नहीं लगाया है। जैसे कि वैसा ही है, सिर्फ ये हाईवे से यहाँ तक मेट्रेस पहुँचा निकले थोड़ा सा, जो शायद कॉन्ट्रेक्टर ने ये रास्ता खोद के निकला हो, यही चल रहा है। बाकी जो डिग्री कॉलेज के लिए जो सेंक्शन आया था वो पीएमजीएसवाई का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कैसा चलेगा? हर कोई कहता है अवेयरनेस लाना है, जागरूकता लाना है, वांछनों को आगे बढ़ना है। हर लीडर सभी के जुबान से ये कहते हैं, हर यूनियन, हर एसोसिएशन के लीडर्स के मुँह से यही कहते हैं कि वांछनों भी आगे जाएंगे, वांछनों को आगे ले जाएंगे। कैसे लाएंगे? जबकि मॉडल डिग्री कॉलेज बन के तैयारी हो गया है, लेकिन यहाँ आने की रोड अभी तक नहीं बना है। दोस्तों मैं बता दूँ, ये रोड पीएमजीएसवाई के स्कीम है जो आरडब्ल्यूडी के अंदर ये आया है, और ये एमएसएनएन इंटरप्राइज का ये टेंडर था, और ये प्राइस है आपका 5.43 किलोमीटर, यानी 5-6 किलोमीटर के लगभग आसपास है, जिसका कॉस्ट 4 करोड़ 40 लाख इसका स्कीम था, इसका फंड था, इस पीएमजीएसवाई रोड का 4 करोड़ 40 लाख ये डिग्री मॉडल डिग्री कॉलेज का पीएमजीएसवाई रोड का पैसा है, जो अभी तक एक फरवा नहीं है, लेकिन हमने तो सुना ये पैसा भी खा दिया है। ऊपर से मेंटेनेंस के लिए 53 लाख दिया हुआ है यहाँ पे, जो हम वीडियो स्क्रीन पे दिखाएंगे। रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर में ये है, और ये एमएसएनएन इंटरप्राइज ने ये टेंडर लिया था, लेकिन अभी तक एक फरवा भी नहीं मारा है। तो कैसे जाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे वांछनों, जबकि पीएमजीएसवाई रोड कानूबरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एलबी रोड का दो भाग आया है, लॉन्डिंग हेडक्वार्टर तो साजा खेत तो तेवाई और लोहा, ये वाला अभी शुरू हो चुका है, काम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी डिग्री मॉडल डिग्री कॉलेज कानूबरी का पीएमजीएसवाई रोड 4 करोड़ 40 लाख का फंड है, जो अभी तक एक फरवा भी नहीं मारा है। अभी कॉलेज बन के तैयार हो गया है, इस साल क्लास चलना था, कम से कम कुछ और सामान लाना होना था, लेकिन रास्ता नहीं है। और डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है अभी तक? डिपार्टमेंट का जो ए है, जो जय है, जो एग्जीक्यूटिव है, आप लोगों क्या कर रहा है? आप लोगों का भी एक टारगेट होता होगा ना कि ये पीएमजीएसवाई रोड डिग्री मॉडल डिग्री कॉलेज का पीएमजीएसवाई रोड ट्रांस अरुणाचल हाईवे कानूबरी पुलिस चेक गेट से लेकर मॉडल डिग्री कॉलेज वाया लॉक्सिम का काम, आर्ट कटिंग काम कब तक शुरू होना है? इतना महीना में इतना किलोमीटर कंप्लीट आर्ट कटिंग होना है, इतना साल तक, इतना महीने तक ये ब्लैक टॉपिंग हो जाना है, ये सारा तो आपका डीपीआर में होता होगा ना कि कौन से सीजन में ये काम होना है, कौन से सीजन तक ख़त्म होना है। लेकिन बाकी का पीएमजीएसवाई रोड अभी तक शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे कानूबरी का ये मॉडल डिग्री कॉलेज का पीएमजीएसवाई रोड अभी तक एक फरवा भी नहीं मारा है। लेकिन सच है या झूठ है ये पता नहीं, लेकिन हमने सुना है कि ये पैसा भी आधा, लगभग आधा तो खा चुका है, लेकिन एक फरवा भी नहीं लगा अभी तक, ये हाल है। कैसे इंजीनियर है, कैसे जय है, कैसे डिपार्टमेंट है, कैसे सरकार है, ये आपका भी जिम्मेदारी बनता है, सिर्फ कंपनी का नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का नहीं। आपने बिल दिया होगा, आपने ऑर्डर नहीं दिया होगा, आप जोर लगाना चाहिए कि ये रास्ता जल्द से जल्द बन जाए, जो आपका टारगेट है इसके हिसाब से ये बनना चाहिए था, अभी तक आज कहते होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है। कितना बार खुलासा करेंगे हम लोग, कितना करप्शन, कितना घोटाला के ऊपर में हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, जबकि आप लोग पढ़ लिख कर अफसर बने हैं, जबकि आप लोग पढ़ लिख कर ही नेता बने हैं, पढ़ लिख कर ही कंट्रेक्टर बने हैं, पढ़ लिख कर ही आप लोग
बड़ा लीडर बने हैं, तो आप ही लोग घोटाला कर रहा है, आप ही लोग लापरवाही कर रहा है, और यहाँ पे तकलीफ किसको होता है? अगर रास्ता नहीं है तो चलने में हम लोगों को ही, मिडिल क्लास लोगों को ही, बीपीएल लोगों को ही मुश्किल होता है। कम से कम दूसरा का गाड़ी में चावल एक बैग उठा कर लाना चाहिए, वो नहीं ला पाता है। कम से कम कॉलेज शुरू हो जाने से यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाना था, बाहर में तो नहीं भेज सकते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन आपने अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं बनाया है, जिसके कारण अभी तक कॉलेज भी नहीं चल रहा है। आपके पास तो पैसे हैं, आपके बच्चे बाहर पढ़ाते हैं, आपके तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ता है कि ऐसे रास्ता में चले, बाहर में हाईवे में घूमता है आप लोग तो बड़े बड़े कार में, लेकिन मुश्किल परेशानी किसको होता है? बीपीएल लोगों को, आम जनता को। अरे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है, जय हो ए हो एग्जीक्यूटिव हो, आप लोग भी समझना चाहिए ना, जानना चाहिए ना। कितना बार बताऊं आप लोगों को कि जनता का ये हाल है, कौन सा चीज़ कितना ज़रूरी है, कौन सा जगह में क्या तकलीफ है, ये आपको भी पता है, फिर भी अब ये हरकतें कर रहा है। क्यों अभी तक शुरू नहीं हुआ है पीएमजीएसवाई रोड? अगर जिस टेंडर कंपनी ने अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, आपका टारगेट के हिसाब से अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, तो आपका राइट बनता है ना उसका टेंडर से निकल देने की, और दूसरा को काम आप दिला सकते हैं ना, ये तो आपका गाइडलाइन में है, गाइडलाइंस में। लेकिन आपने तो, हमने सुना है सच है झूठे पता नहीं, लेकिन बिल भी दे दिया है बिना काम किए। कैसे ऑफिसर है यार, कैसे यही है, कैसे यही है जो हम लोगों की तकलीफ को नहीं समझ रहा है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको रोकने का आपका काम ड्यूटी बनता है ना। कोई कंपनी अभी तक काम शुरू नहीं कर रहा है, उसको चेक करने का आपका ड्यूटी बनता है ना। क्या कर रहा है अभी तक, हटा दो उसको टेंडर से, दूसरा को दे दो। बहुत से लोग यहाँ काम मांग रहे हैं, भर भर के अभी मिनिस्टर का पांव पकड़ के बैठे हुए हैं, बहुत से लोग अभी एमएलए के पांव पकड़ के बैठे हुए हैं, काम दो काम दो, बहुत से लोग है काम करने के लिए, और उन सभी को दीजिए ना। आपका गाइडलाइंस में है कि आपका टारगेट के हिसाब से काम अगर शुरू नहीं किया है तो वो टेंडर, भला ही वो टेंडर क्यों ना लिया हो, उसको हटा सकता है आप, आपका राय थे। जो कॉन्ट्रैक्टर जो कंपनी का अंदर में क्यों चल रहा है आप लोग एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट लोग, गवर्नमेंट आपका हिसाब से काम कराइए ना। आप पढ़ लिख कर अफसर बना है, आपका सारा नॉलेज है, होते हुए आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं कर रहे आप। मैं तो ये कहूँगा, कितना बार ये सब बोलना पड़ेगा खुलासा, कहीं पे कुछ घोटाला, कहीं पे कुछ काम नहीं हुआ, कहीं पे कुछ करप्शन, कहीं पे कुछ जो देना था नहीं दिया है। इस कॉलेज को भी हल्ला कर करके मैंने एक वीडियो कवर किया है, जब जाकर ये कंप्लीट हुआ है, अभी कितना साल बाद अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी रास्ता नहीं है। तो ये हाल है वांचनू, वांचनू हमारे लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में पूरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी के काम हो रहा हो, ऐसे ही हो रहा है। अभी किसके जिम्मेदार है? मोदी सरकार कहते हैं कि अभी काम करो लो, जब काम दिखाओ तब पैसा देता है, लेकिन यहाँ तो काम ही नहीं करके पैसा उठा दिया। ये सारा डिपार्टमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जिम्मेदारी है, ये पब्लिक का नहीं है, कंट्रैक्टर का नहीं है। कंट्रैक्टर है जो कंपनी है, वो तो चाहेगा ही, वो घोटाला करेगा ही अपना मुनाफा बचाने के चक्कर में, चार पैसे बचाने की कोशिश करेगा ही, लेकिन उसको चेक करने का किसका काम है? डिपार्टमेंट का, जेई का, आई का, एग्जीक्यूटिव का। आप लोग ने अलाउ किया है, आप लोग ने नहीं बोला है, आप लोग ने प्रेशर नहीं दिया है, इसीलिए काम नहीं हुआ है, ऊपर से आपने बिल भी पास कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा, अभी ऐसा नहीं चलेगा। बाकी वांचनू आप लोग देखिए, आप लोग जानिए, मैं तो जो बताना था जो सच है मैंने बता दिया, खुलासा कर दिया, दिखा दिया यहाँ किसका काम है। मॉडल डिग्री कॉलेज जो कन्नौरी में बन रहे हैं, ये अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं,
लेकिन यहाँ आने का अभी रास्ता नहीं है। अभी रास्ता बहाना करके अभी ये अनदर 10 ईयर्स लगेगा इस कॉलेज को रनिंग करने में, जो कि हमें 2 ईयर्स 3 ईयर्स पहले ये रनिंग हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी रास्ता का बहाना करके अभी अनदर 10-5 ईयर्स लग जाएगा। किसका लॉस है? पब्लिक का ही तो लॉस है ना। ऑफिसर आपका तो कुछ नहीं जा रहा है ना, जय आपका तो कुछ नहीं जा रहा है, कॉन्ट्रेक्टर का तो कुछ नहीं जा रहा है, कंपनी का तो कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि आपका तो बड़ा मोटा पैसा है। आपका बच्चे बाहर पढ़ाते हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बड़े बड़े गाड़ी में आप हाईवे में घूमता है, लिंग रोड आने की जरूरत ही नहीं पड़ता आप लोग को। सारा तकलीफ झेलना पड़ता है आम जनता को, सारा मुसीबत झेलना पड़ता है आम जनता को। बाकी व्यूअर्स, आप जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जाने समझे, और जो अपने मन में है अपने हिसाब से कमेंट करिए। थैंक यू, आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार बना रहे।